सेठ जी हमें प्लीज बचा लीजिए, इन्होंने हमें उठा लिया व्हाइट कोबरा जी ने। अरे रे रे रे, पंचम पर ये कैसा संकट आया। सीधे साधे भोले भाले पंचम को गुंडों ने किडनैप क्यों कर लिया। सीरियल जीजा जी छत पर है में आया है किडनैपिंग वाला ट्विस्ट, जहां आज गुंडों के चंगुल में फंसे पंचम अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे हैं और मुरारी सेठ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सेठ जी हमें उठा लीजिए आप, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज, हमें इन्होंने हाथ बांध कर रखा हुआ है यहाँ पर। तसल्ली हैं? सुन मैं अच्छे से मेरी बात, अगर तुझे तेरा नौकर पंचम चाहिए ना तो बिजली हिंदुस्तानी को बोल देना कि बदले भाने वो फार्मूला दे। भाई ये तो हमें समझ में आया कि व्हाइट कोबरा नाम के इस डॉन ने पंचम और इन प्रोफेसर साहब को किसी बड़े मकसद की वजह से किडनैप किया है, लेकिन ये मकसद है क्या और पंचम इन गुंडों के जाल में कैसे फंसे, चलिए पंचम से ही जानते हैं। अरे कुछ गुंडे हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, जिन्हें लगता है कि मैं बिजली हिंदुस्तानी को जानता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं बिजली हिंदुस्तानी से सिर्फ एक बार मिला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि वो उनकी जादुई पोश के पीछे हैं जिससे बेसिकली इंसान गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हें मिल जाए गुंडों को। तो मेरे साथ जो प्रोफेसर है जिन्होंने इस जादुई इसका इजाद किया है वो मेरे साथ हैं और मैं हूँ। मैं तो बिजली हिंदुस्तानी को जानता भी नहीं हूँ, एक बार मिला हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने किडनैप कर लिया और मुरारी जी को धमकी दे रहे हैं कि अगर बिजली हिंदुस्तानी मुझे बचाने नहीं आई तो वो मेरा बहुत बुरा हश्र करेंगे। लेकिन कुछ तो तो ये सारा जाल बिजली हिंदुस्तानी का जादुई केप हासिल करने के लिए बिछाया गया है, लेकिन पंचम आप बलि का बकरा कैसे बन गए? कि उन लोगों ने मुझे बिजली हिंदुस्तानी से बात करते हुए देख लिया, क्योंकि मैं अकेले में बड़बड़ा रहा था और उन्हें लगा कि मैं बिजली हिंदुस्तानी से ही बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो क्योंकि ये बिजली हिंदुस्तानी को जानता है, अगर हम इसे किडनैप करेंगे तो बिजली हिंदुस्तानी पक्का आएगी, और अगर बिजली हिंदुस्तानी आएगी तो फिर हम एक उस मतलब गुंडे किसी तरह से उसे पकड़ लेंगे और वो केप उससे लेके और वो खुद इनविजिबल हो जाएंगे और गलत पर्पस के लिए यूज करेंगे। पंचम यहाँ आप मुरारी सेठ से मदद की गुहार लगा रहे हैं, मुरारी सेठ का बिजली हिंदुस्तानी से क्या कनेक्शन है ये भी बता दीजिए। ये जो गुंडे हैं इन्होंने सेठ जी को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि आपका जो ये दुकान पे काम करता है पंचम वो हमारे कब्जे में है, अगर आपने बिजली हिंदुस्तानी को जल्द से जल्द नहीं बुलाया तो हम इसका बहुत बुरा हश्र करेंगे। लेकिन सेठ जी को खुद नहीं पता कि बिजली हिंदुस्तानी रहती कहाँ है, तो वो खुद फोन पे बोल रहे हैं कि यार मुझे खुद नहीं पता ये बिजली हिंदुस्तानी कहाँ रहती है, तो वो अब हमें पता चलेगा कि बिजली हिंदुस्तानी मुझे बचाने आएगी कि नहीं। आपके साथ साथ प्रोफेसर साहब को भी गुंडों ने किडनैप किया है, उनका क्या हाल है? उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जो प्रोफेसर हैं वो काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो वो कब्जे में है लेकिन अभी भी सो रहे हैं तो उन्हें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। वो कह रहे हैं भैया देखो मैंने तो बना के रखा था और वो बिजली हिंदुस्तानी के पास या किसी के पास चला गया, अब मुझे नहीं पता कहाँ है, तो बस वो किडनैप करके उन्हें साइड पर मेरे साथ बिठा दिया और हम दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई व्हाट टू डू। तो पंचम आपको क्या लगता है कि क्या इलायची और बिजली हिंदुस्तानी आपको बचाने आएंगी? आई होप सो बिजली हिंदुस्तानी आ जाए, क्योंकि वही इनविजिबल है और इतने सारे हट्टे कट्टे गुंडों से लड़ने के लिए अभी बेचारे पंचम के पास भी इतनी ताकत नहीं है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप बिजली हिंदुस्तानी आ जाए अपना इनविजिबल केप पहनकर और किसी तरह से हम दोनों को बचा लें। दर्शकों को बता दें कि इलायची को प्रोफेसर साहब के घर से मिल गया है ये जादुई केप, जिसे पहनकर इलायची गायब हो जाती है और मासूम लोगों पर जुल्म करने वालों को मजा चखाती है। लेकिन अब इस जादुई केप पर पड़ गई है अंडरवर्ल्ड डॉन व्हाइट कोबरा की नजर। देखते हैं बिजली हिंदुस्तानी कैसे सिखाएगी व्हाइट कोबरा को सबक। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।